जैसे आप लोगों को मालूम है, हमारी पेशन गोई जो है फिलहाल 22 तारीख तक जो है वेदर ड्राई रहेगा, 22 दोपहर तक, और 22 शाम से ये एक वेदर सिस्टम आ रहा है फ्रेश डब्ल्यू टी, जो पूरे जम्मू कश्मीर को इसका इम्पैक्ट होगा। और 22 लेट नाइट से ही स्नोफॉल के चांसेस हैं और 23 शाम तक ये सिस्टम रहेगा, जिसका मेन एक्टिविटी जो है 23 तारीख को रहेगा। फिर धीरे धीरे सिस्टम जो है वीक होगा और 24 लगभग दोपहर से ही मौसम खुल जाएगा, खासकर यहाँ वादी के अंदर। और जम्मू साइड में 24 को भी हल्की हल्का असर रह सकता है, खासकर डोडा किश्तवाड़ साइड में। जहाँ तक इस सिस्टम का इम्पैक्ट है, ये लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं अक्रॉस दी वैली, और मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं खासकर जो हमारे साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर कुलगाम, कुकरनाग, शुपियन और काजीगुंड का जो एक्सिस है, खासकर टनल का जो एक्सिस है, वहाँ पे भी मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। और बाकी डोडा किश्तवाड़ साइड में भी मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, क्योंकि उस सिस्टम जो है टुवर्ड्स इवनिंग ऑफ 23rd वहाँ उस सिस्टम जो है मूव कर रहा है ईस्टवर्ड। तो बाकी 24 तारीख दोपहर से लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में जो मौसम खुल जाएगा। सर, यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात करें, एयर ट्रैफिक की बात करें, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है इस प्रेडिक्शन के हवाले से? जी, जैसे नेशनल हाईवे हमारा बिल्कुल वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स एंड शूटिंग स्टोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, और जब भी कोई प्रिसिपिटेशन इवेंट होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि हाईवे बंद हो जाता है। लेकिन लोगों को ये हमारा अपील है कि फिलहाल वो अपना जो ऑनवर्ड जर्नी है वो बिल्कुल वेदर फोरकास्ट और जो एडवाइजरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है उसको प्रॉपर फॉलो करें, फिलहाल 22-23 को। उसके बाद तो वेदर ड्राई है लगभग 28-29 तारीख तक। और फिलहाल वेदर सिस्टम जो है 24 दोपहर से ही कमज़ोर हो जाएगा और लगभग 28-29 तक जो है वेदर पूरा खुल जाएगा, मतलब खुला रहेगा।